हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुंचना चाहता हूं उन लोगों से, उन दोस्तों से, उन स्टूडेंट से जो अभी भी कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अधिकतर मतलब मैं सच में बताऊं तो मैं मतलब नर्सिंग के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत से लोगों का मेरे पास कॉन्टेक्ट किया, उन लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए कि आखिर मतलब हम किस तरह से पढ़ाई करें और क्या करें जिसकी वजह से हमें भी जल्दी से सफलता मिले और हम भी जल्दी से नर्सिंग ऑफिसर बन जाएं सेंट्रल गवर्नमेंट में। एक्चुअली ये हुआ इसलिए कि मतलब मैंने अभी भी जैसे मतलब पिछले साल सितंबर में और अभी जो जोधपुर एम्स का एग्जाम है वो मैंने क्लियर करा है। सितंबर में दिल्ली एम्स क्लियर करा, मैंने बठिंडा एम्स क्लियर करा और मंगलगिरी एम्स क्लियर करा। तो इतने कम समय में ये जो जो सक्सेस मिली उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर मैंने क्या किया। सबसे पहले मैं 2 मिनट अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सुरेश है, जैसा मैंने मतलब आपको बताया, और मैं राजस्थान में सिरोही जिले से बिलोंग सिरोही जिले का रहने वाला हूँ। पापा खेती करते हैं और बचपन की पढ़ाई मतलब 5th क्लास तक गाँव में करी। उसके बाद जो हाई स्कूल की पढ़ाई होती है, 12th तक की जो पढ़ाई है वो मैंने करी है मंडोर से। मंडोर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल थी, वहाँ से मैंने 12th तक की पढ़ाई करी। और उसके बाद मैंने बीएससी नर्सिंग कराया, बीएससी नर्सिंग कराया जोधपुर के केएस मेमोरियल कॉलेज से, जो 5 बत्ती है वहाँ पर मैंने बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराया है। और रही बात जॉब की, तो बीएससी नर्सिंग के बाद मैंने 1 साल आशा हॉस्पिटल जोधपुर में जॉब करी और 1 साल मैंने जॉब करा अपने स्टर्लिंग हॉस्पिटल राजकोट के अंदर। उसके बाद जब मैं 2018 के अंदर अक्टूबर के अंदर 2018 अक्टूबर के अंदर जॉब छोड़ दिया और घर पे आ गया, तो उस समय मुझे लगा कि यार मतलब एक्चुअली देखो प्राइवेट जॉब अगर मतलब बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट जॉब कर रखी है तो पता होगा कि प्राइवेट जॉब में वो लोग आपसे कितना काम करवाते हैं और क्या पेमेंट देते हैं। फिर मुझे लगा क्यों ना यार अगर थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी की जाए। तो नवंबर एंड के अंदर, नवंबर 2018 के एंड के अंदर मैंने पढ़ाई शुरू किया। और उस टाइम शुरुआत में मतलब एक्चुअली 2018 में जोधपुर कंबाइंड एम्स के लिए फॉर्म निकले थे, तो मैंने कहा 7 दिसंबर को उसका एग्जाम था, तो मैंने शायद मैं उसे क्लियर कर पाता है नहीं कर पाता ये 15-20 दिन में, लेकिन मैंने कहा क्यों ना तैयारी तो करी जाए। थोड़ा एक बुक लाई थी, बुक लाई और उसको मैं पढ़ने लगा। मैंने कहा जितना भी हो सकता है एक बार एग्जाम दे, पता चले कि इस तरह का एग्जाम किस तरह का होता है। तो जो उसके लिए तैयारी करी, थोड़ा टाइम तैयारी करा लेकिन एग्जाम आगे खिसक गया। उसके बाद ESIC का एग्जाम हुआ, वो दिया लेकिन क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद RRB का एग्जाम दिया, वो भी क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद एग्जाम हुआ दोस्तों बठिंडा एम्स का, जो मैंने क्लियर कर लिया। मंगलगिरी एम्स के लिए हुआ, वो क्लियर कर लिया। दिल्ली एम्स के लिए हुआ एग्जाम, वो मैंने क्लियर कर लिया। और अभी लेटेस्ट 7 फरवरी को एग्जाम हुआ था जोधपुर एम्स के लिए, कंबाइंड एम्स का एग्जाम हुआ था। उसमें मैंने जो मेरी फर्स्ट चॉइस थी जोधपुर, जहाँ पर मैं मतलब मेरा चाहता ही था कि मतलब वो घर के पास में है तो मैंने कहा जोधपुर चले जाए, तो वो जोधपुर क्लियर कर लिया। उसके बाद ये हो गई मतलब कि मैंने यहाँ तक क्लियर कर लिया। अब बड़ी बात ये आती है कि मतलब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भाई आपने मतलब, मेरे पास बहुत कम टाइम था, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मतलब अभी बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पाया। मैं सच में जरा ये मेरे दोस्तों से भी कहना चाहता हूँ कि शायद जो लंबे टाइम से वो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरे को कम ही नॉलेज होगी, ये मैं सच में मैं दिल से मानता हूँ। कि क्योंकि देखो 6-7-8 महीने के अंदर कितना पढ़ा जा सकता है, जबकि वो लोग दो 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 ढाई ढाई 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग के एग्जाम के लिए, और मैंने 6-7-8 महीने तैयारी करी और मैं लग गया। तो हकीकत तो ये है कि मेरे को नर्सिंग का नॉलेज तो कम है, लेकिन उसके अलावा मैंने बहुत अलग चीजें फॉलो करी थी कि मतलब किस तरह से जो चीजें हैं वो किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से एग्जाम दिया जाए, किस तरह से जो जो आप पढ़ रहे हैं उसे आप मेमोराइज किस तरह से करें, ये चीजें मायने रखती है। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने जैसे पढ़ाई करी तो मेरे जो पढ़ाई के आवर थे, जैसे मतलब बहुत से लोग पढ़ते हैं, आप पूछे कि आप मतलब दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, 8-10 घंटे या 12 से 14 घंटे, तो मैं उनको सच में बताता, देखो जरूरी नहीं है कि आप लोग भी मैं जितना मैं पढ़ाई करता था उतनी पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा, या फिर जैसे मैं बता रहा हूँ वो का वही सारा सारा करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं बता दूँ कि मैंने कभी भी ऐसा दिन नहीं किया जब मैंने 4 से 5 4-5 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करी हो। एक्चुअली मेरे से नहीं होती है, मैं 4-5 घंटे से ज़्यादा किताब बुक पकड़ के नहीं रख सकता। मैक्सिमम कभी ऐसा
कभी कोई दिन ऐसा हो गया होगा जब मैंने 6 आवर्स पढ़ाई करी होगी, उससे ज़्यादा मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी। मतलब मैक्सिमम 5 से 6 घंटे मैंने दिन में पढ़ाई करता था। और बात रही कोचिंग की, तो कोचिंग मैंने जोधपुर से करा है, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी करके, शिवराज सर उनको चलाते हैं, बहुत अच्छे मेंटर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं उनसे मिला और सबसे पहली बात तो उनसे मैंने बात करी कि सर मुझे, मैंने तो पहले 2 एग्ज़ाम दे रखे हैं, मतलब बहुत कम नंबर से चुका हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बेटा आ जाओ इधर और आप अपना पढ़ाई करो। तो 2 महीने मैंने वहाँ से कोचिंग करी और उसके बाद एग्ज़ाम दिए और हो गया। स्टडी का पैटर्न पूछा बहुत से लोगों ने, कहा आप स्टडी का पैटर्न क्या होता है, आप किस तरह से पढ़ते हो, सब्जेक्ट अलग अलग, एक ही दिन में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो या फिर एक ही दिन में कुछ टॉपिक से उनको क्लियर करते हो। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे मतलब मेरा सबसे पहले रहा, तो मैंने सबसे जो बुक्स ली थी, जैसे मैंने सबसे पहले बुक ली थी नर्सिंग टुडे बुक्स ली थी, मैं उसे रिकमेंड नहीं करना चाहता लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने ली थी। उसके बाद पी आर यादव की बुक पढ़ी, उनको मैंने पहले 1-2 बार पढ़ा, उसके बाद उनके मेरे सेल्फ नोट्स भी बनाए। जो पहले जो मैंने नर्सिंग टुडे बुक ली थी उसको भी मैंने अच्छे से पढ़ा, उसको भी दो दो एक बार उसको भी अच्छे से पढ़ा। तो मतलब एक बेस लाइन का नॉलेज हो गया कि भाई मतलब हाँ नर्सिंग के अंदर मतलब जो चीज़ें हैं वो किस तरह से क्या चीज़ें काम करती हैं। और उसके बाद कोचिंग ली, कोचिंग कर ली 2 महीने की, तो जो चीज़ें थी वो कई कुछ कन्फ्यूजन जहाँ पर थे वो क्लियर हो गए। फिर सबसे बड़ी बात एक आती है कि जब आप तैयारी करते हैं तो किस तरह से करें। मैं जब भी मैं आपको जैसे बताता हूँ, मैंने जब पहली बार भी मैं जब एग्ज़ाम देने गया था ना, तब भी मैं इसी माइंडसेट के साथ गया था कि मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर रहा हूँ। मतलब जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा कि भाई कि एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, जब एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट आएगा तो मेरे रिजल्ट के अंदर डेफिनेटली मेरा नाम होने वाला है, मैं ये सोचकर ही पढ़ाई करता था। मतलब आपके मन के अंदर जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए आपको कि यार के मतलब अगर रह गया तो या फिर नहीं हुआ तो, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। आप तैयारी कर रहे हो तो आप नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर जो भी आप कोई दूसरी तैयारी भी कर रहे हैं, कोई किसी और कंपटीशन एग्जाम की, तो जिसकी भी आप कर रहे हैं वो आप बनने के लिए कर रहे हैं। तो अपने दिमाग में जरा सा शक तो रखना ही नहीं किसी भी चीज़ का कि यार ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। नहीं, अगर आपने सोचा है कि आप ये करने वाले हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप इसे कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें अपने दिमाग में किसी भी तरह का शक आपको नहीं रखना है। और जो मैंने जैसी पढ़ाई करी थी, तो मैंने क्या किया था कि जो कोई भी एक, जैसे मतलब मैं अब मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूँ, जैसे मैंने कोई भी एक नॉर्मल सिस्टम की बात, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, तो मैंने इनको पहले एक पूरे जो पूरा सिस्टम था, पूरा सब्जेक्ट था, उसको मैंने उनको टॉपिक्स में, थोड़े थोड़े टॉपिक्स में डिवाइड करा कि पहले अलग अलग टॉपिक्स लिए और उन अलग अलग टॉपिक्स को मैं पढ़ता था। अब पढ़ने के अंदर मैं बात करता हूँ कि बात सबसे बड़ी आती है कि आपको मतलब, मैंने बहुत सी जगह गया हूँ, बहुत सी स्कूल्स में भी, स्कूल में भी देखा है, सब लोग आपको आपको जैसे पढ़ा देते हैं कि भाई ये चीज़ है ये आप पढ़ लो, आपको समझा भी देते हैं अच्छे से, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए वो चीज़ याद होनी चाहिए। अगर जब तक आपके इधर नहीं घुसेगा, मतलब आपको याद नहीं होगा, आप समझ गए चीज़ तो समझ गए भाई कि हाँ ये आप, ये हमको पढ़ाया है, ये चीज़ इस तरह से होती है, वो आप समझ तो गए, लेकिन मेन चीज़ है कि जब तक आपको याद नहीं होगी तब तक आप पेपर में लिखोगे क्या? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने आज पढ़ा और कल पेपर हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। पेपर 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर भी हो सकता है। तो जो आपने साल भर पहले चीज़ पढ़ी थी उसको आखिर आप याद कैसे रखोगे? तो सबसे बड़ी बात आती है कि मेमोराइजेशन की, कि आखिर किसी भी चीज़ को मेमोराइज कैसे किया जाए। तो मैंने इसके लिए सर यूट्यूब पे खूब सारे वीडियोज़ देखे, मतलब बहुत सारे मेमोरी मास्टर थे जो अलग अलग तरह की चीज़ें बता रहे थे, कोई ये बता रहा था, कोई ये बता रहा था, बहुत सारे तो ऐसे भी थे जो सिर्फ मतलब अपने आप को प्रमोट किया जा रहा था कि मुझे वो भी याद है, मुझे वो भी याद है, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन हम क्या करें, हम किस तरह से याद करें, जो हम आपको ये आपके जो वीडियोस देख रहे हैं, इतना टाइम यहाँ पर डाल रहे हैं, तो हम किस तरह से याद करें, ये वो बहुत कम लोग बताने वाले थे। मतलब जितने मैंने देखे, मुश्किल से 1 या 2 में किसी ने तरीका बताया कि किस तरह से चीज़ों को याद किया जाए। तो एक बंदा था जिसका मैंने ये वीडियो देखा, मतलब 2-3 घंटे का उनके जो वीडियोस थे वो मैंने देखे, और उसके अंदर से मैंने एक बहुत ही बढ़िया तरीका, मतलब जो उन्होंने बताया था वो मैंने फॉलो किया। एग्जाम्स के लग एग्जाम जो मेरा ये जो सेप्टेम्बर 2019 में जो एग्ज़ाम होने वाले थे, उससे 2 महीने पहले मैंने वो वीडियो देखा था। और मुझे मैंने कहा कि यार चलो मेरे पास कोई और रास्ता तो नहीं है, लेकिन ये जो बता रहे हैं उनको फॉलो करके देखते हैं तो क्या जाता है अपना। तो मैंने फॉलो करना शुरू किया।
तो उसके अंदर ये था उनका, उसको मैंने अपने जो सब्जेक्ट था उसके ऊपर मैंने उसको लागू कर दिया कि सबसे पहले मैंने जो भी सब्जेक्ट जो मेरे को पढ़ना था उस सब्जेक्ट को मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट दिया, मतलब हाफ एन आवर यानी आधे आधे घंटे के टॉपिक्स में मैंने उनको सब्जेक्ट्स को बांट दिया कि यार ये कि आधा घंटा इसको मैं, ये आधे घंटे में इसको मैं पढ़ सकता हूँ, अच्छे से पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ आधे घंटे के अंदर। इस तरह से एक ही सब्जेक्ट के मैंने 5-7 टॉपिक बना लिए जिनको मैं आधे आधे घंटे में पढ़ सकता था, और 5-6 में दिन में एक 5-6 टॉपिक दिन में निकाल सकता था आधे आधे घंटे के, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उनको पढ़ना शुरू किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वो, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर जो चीज़ है जो आप पढ़ रहे हैं उसको मेमोराइज किया किस तरह से किया जाए, याद किस तरह से किया जाए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उनको टॉपिक में तोड़ा और टॉपिक पढ़ना शुरू किया। आधे घंटे का टॉपिक था, मैंने उस आधे घंटे के टॉपिक को पढ़ा और उसको फिर से रिवाइज किया। तो जो पढ़ने में मेरे को टाइम जो लगा वो आधे घंटे का टाइम लगा, लेकिन जो उसको रिवाइज करने का टाइम लगा वो मैंने 5-7 मिनट के अंदर दोबारा मैंने रिवाइज कर लिया, ठीक है। फिर मैंने दूसरा टॉपिक पढ़ा, फिर पूरा पढ़ने के बाद उसको फिर मैंने 5-7 मिनट में रिवाइज किया। इस तरह से दिन के अंदर 5-6 टॉपिक मैंने पढ़ लिए और उनको मैंने रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से मेरा 2 रिवीजन हो गया। एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जब अब दिन खत्म होने वाला, जब मैंने वो सारे जो मैंने जो डिसाइड किया था कि मैं आज 6 टॉपिक पढ़ूंगा, तो मैंने 6 टॉपिक को पूरा 30-30 मिनट तक पढ़ा, फिर हर टॉपिक का 5-7 मिनट जो रिवीजन था वो रिवीजन करा, फिर आखिर में उन सारे टॉपिक का मैंने दोबारा रिवीजन किया और उसमें फिर 5-5 मिनट लगे हर एक टॉपिक को रिवाइज करने में, जो 6-7 टॉपिक जितने भी थे उनको रिवाइज करने में मेरे को 5-5 मिनट लगे। और दिन के अंत में अब मैंने उस एक टॉपिक को हर एक टॉपिक को मैं 3-3 बार पढ़ चुका था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया कि नेक्स्ट डे मैंने उन टॉपिक को दोबारा पढ़ा, यानी कि इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, दूसरे दिन मैं उनको भूल जाऊं, मैंने उनको दोबारा रिवाइज किया, उन टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज किया, दोबारा 5-5 मिनट पढ़ा। जो 6 टॉपिक थे मैंने 5-5 मिनट पढ़ा, तो 6×5=30 मिनट, यानी कि 30 मिनट के 30-45 मिनट के अंदर मैंने जो कल जो जितना भी पढ़ा था वो सारा का सारा उसको रिवाइज कर लिया। उसके बाद मैंने मेरे दूसरे जो टॉपिक चूज किए थे कि आज मुझे ये 5-6 टॉपिक पढ़ने, मैंने वो 5-6 टॉपिक पढ़ना शुरू किया। उन टॉपिक्स को भी मैंने आधे आधे घंटे के टॉपिक बना लिए, फिर उनका 5 बार रिविजन किया और एट द एंड ऑफ उन सारे टॉपिक्स का फिर से 5-5 मिनट रिविजन किया। अब मैंने क्या किया, जो पहले दिन पढ़ा था वो पहला टॉपिक मैंने रिवाइज कर लिया, उसके दूसरे दिन मैंने उनको फिर रिवाइज किया, फिर मैंने एक डेट डाली उसके वन वीक बाद मैंने उसको डेट डाली कि इस वीक को मुझे इसे दोबारा पढ़ना है, यानी कि जो पढ़े हुए को एक हफ्ता पूरा ना हो उससे पहले मैं उसे पढ़ूंगा। तो उन टॉपिक को जब 7वां दिन आया उसका, तो मैंने उस 7वें दिन फिर उन जो फर्स्ट डे मैंने पूरा टॉपिक पढ़े थे उन सब टॉपिक को फिर 5-5 मिनट में मैंने उनको पढ़ लिया। इस तरह से जो दूसरे दिन पढ़ा था उसके लिए फिर उसके नेक्स्ट डे आई, तीसरे दिन पढ़ा उसकी फिर नेक्स्ट डे आई। फिर मैंने क्या किया, जो 7 दिन में जो 7वें डेज पे जो मैंने पढ़ा था उसके लिए मैं, उसके बाद मैंने क्या किया, उसको मैंने अगले एक मंथ की डेट डाली कि उसको 1 महीने बाद मैं कब पढ़ूंगा। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि ये चीज किस तरह से काम कर रही है कि दिन के अंदर 3 बार मैंने पढ़ लिया, तो अब वो अच्छी तरह से मैं समझ चुका हूं कि वो चीज क्या है। इससे पहले कि दूसरे दिन मेरे दिमाग से वो चीज निकल जाए, मैं उसे दोबारा पढ़ लेता हूं, ठीक है, वो मेरे दिमाग से अब जाने वाली नहीं है। लेकिन उसे याद रखने का भी दिमाग का अपना एक कैपेसिटी है कि वो 6-7 दिन में उसे भूल जाएगा, क्योंकि आपने इतने ज्यादा उसका रिविजन नहीं किया, सिर्फ 2 दिन ही रिविजन करा, ठीक है, तो हफ्ते भर में भूल जाएगा। तो चूंकि न भूला जाए इसलिए मैं उसे 1 वीक खत्म हो उससे पहले मैं उसे दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। रिवाइज कर लिया, अब उसे 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ कंप्लीट हो उसके भीतर मैं उसे फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। अब ये चीज मेरे दिमाग में पूरी तरह से सेट हो चुकी है, जो मैंने पढ़ा था जो मैंने समझा था वो इस तरह से मेरे दिमाग में आ चुका है, इस तरह से मैंने मेमोराइज कर लिया कि उसे भूलना नामुमकिन है। आप उसे अगला एग्जाम देंगे, अगला जब एग्जाम आएगा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि वो चीज़ आप भूल जाओ, या फिर आपको ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा आपको एग्जाम देते टाइम आपको लगे कि यार ये मैंने पढ़ा तो था लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, यार याद क्यों नहीं आ रहा मेरे को, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो आपके दिमाग में पूरी एकदम परमानेंट मेमोरी में जा चुका है, उसे कभी नहीं भूलेंगे आप।
अगर आपको और लंबा टाइम देना है तो उसे 2-3 महीने बाद उसको फिर से पढ़ना होगा, तो फिर आपको और लंबे टाइम तक तो उसको चला सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज, इस तरह का पैटर्न फॉलो करने से, सिर्फ 2 महीने, मैंने इसे सिर्फ 2 या 1.5 महीने इस पैटर्न को फॉलो करा था, और जो मेरा सितंबर में 4 एग्जाम मैंने दिए, चारों एग्जाम मैंने बहुत बढ़िया क्लियर किए, सबके अंदर मेरा मतलब सबके अंदर मैं पास पास हुआ और सबके अंदर मेरा नंबर आया। लेकिन आखिर मैंने दिल्ली ज्वाइन जो करना था वो दिल्ली एम्स मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ये जो मेमोराइजेशन की टेक्निक है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं, और ये नहीं, ये इंडिविजुअल नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरे हो सकता है मेरे दूसरी चीज़ें इंडिविजुअल, मैं आपको आगे बताऊंगा, वो चीज़ें इंडिविजुअल हो सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी इंडिविजुअल नहीं, ये हर किसी पे काम करेगा ये आपके, क्योंकि हमारे दिमाग का जो सेटअप है, जो उसका जो जिस तरह से बना हुआ है स्ट्रक्चर है, वो सबका सेम है, मेमोरी सबकी सेम तरह से काम करती है। हाँ, हो सकता है कोई थोड़ा 2-4 बार पढ़े तो याद होगा, कोई 1 बार पढ़े तो याद होगा, लेकिन भूलने का सबका पैटर्न एक जैसा है, क्योंकि जिस चीज़ को हम जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे, उसके भूलने की क्षमता, भूलने का जो है वो इतना ही कम होता जाएगा, जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उसे याद रख पाएंगे। और याद करने का भी, उसे पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब आप लोगों को 4 बार पढ़ना था, एक दिन के अंदर अगर आप 4 बार पढ़ रहे हैं और फिर कहें कि मुझे 1 महीने बाद याद होगा, नहीं, ये नहीं होने वाला। आपको क्या है, एक लेवल में याद करना, आपने इसे आज पढ़ा, आज 2-3 बार आपने इसे रिवाइज कर लिया, फिर इसे कल पढ़िए, फिर इसे 1 हफ्ते बाद फिर पढ़िए, और इसे 1 महीने बाद फिर पढ़िए। आप टॉपिक बना लीजिए, उन टॉपिक्स पे आप डेट डाल दीजिए, जैसे आज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आज 24 तारीख की डेट डाल दीजिए कि हाँ आज 24 फरवरी है, मैं इस टॉपिक को आज पढ़ रहा हूँ, उसे अगले 25 फरवरी को फिर पढ़िए, 25 के बाद 7 दिन आप जोड़ के 1 या 2 तारीख जो भी आती है, 2, 1 या 2 मार्च जो भी आएगी, आप फिर उस दिन को पढ़िए, उसके बाद फिर एक मंथ की डेट डालिए, अब जो आपकी अप्रैल में पड़ेगी उसको फिर पढ़िए अप्रैल में। इस तरह से आप जो एक पैटर्न बनाकर पढ़ेंगे, तो जो चीज़ है, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं, जो आप याद करना चाहते हैं, वो आपके दिमाग में परमानेंट छप जाएगी, एक तरह से मतलब पूरा छप जाएगा। आप उसे याद करना चाहोगे ना, तो बिल्कुल जैसे भी आप उस टॉपिक टॉपिक के बारे में आप रिकॉल करोगे, वो सीधा आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या मतलब आप क्या कहना चाहते, क्या कहना चाहते हैं, वो चीज़ सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ लोगे। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है कि एग्ज़ाम, मेरे को बहुत से लोगों ने पूछा कि एग्ज़ाम क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोगों, जैसे मतलब मेरे बहुत से फ्रेंड हैं जिनको मेरे से नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, बहुत नॉलेज है, मैं तो सच में कह रहा हूँ, मेरे को तो बहुत कम नॉलेज है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन वो एग्ज़ाम में अच्छा क्लियर नहीं कर पाते। जहाँ मेरे को, जहाँ तक मुझे लगता है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है, कमी ये है कि एग्ज़ाम देते टाइम आपके माइंड सेट क्या होता है। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मैं जब भी जैसे जो भी एग्जाम देने जाता हूँ, मैं यही सोच के जाता हूँ कि मैं इसको टॉप कर रहा हूँ एग्जाम को, मतलब टॉप 50 या टॉप 100 में तो मेरा नाम आएगा ही आएगा, 100% आएगा, मैं ये मान के ही चलता हूँ, भले फिर फाइनल लास्ट में मेरा नंबर आए, भले 1000 स्टूडेंट सिलेक्ट करने और मेरा 1000वां नंबर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं टॉप 100 में या टॉप 50 में आऊंगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। इससे एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपने मूवी देखी ऑल इज वेल, तो ये ना दिल है ना, जो सच में एक आप सच में बताएं तो ये दिल जो है वो बच्चा ही है, उसे आप बोलोगे नहीं, सब कुछ अच्छा है, सब बेहतर है, सब बढ़िया जा रहा है, तो ये मान लेता है और वो चीज़ें बढ़िया होने लगती हैं आपकी लाइफ में। मैंने बुक पढ़ी थी द सीक्रेट करके, उस बुक्स के अंदर क्लियर क्लियर बताया गया था, रोंडा बर्न ने उसके जो बुक लिखी है वो बताती है कि आप चीज़ों को किस तरह से अपनी लाइफ में होने दें, या मतलब जो चीज़ आप चाहते हैं वो किस तरह से आपकी लाइफ में हो। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो आप सोचते हैं ना, जो आप चाहते हैं, उसको आप सबसे पहले अपनी लाइफ में उतारिए कि हाँ ये हो चुका है मेरे साथ में। मैं जब कोचिंग कर रहा था तो हम सर थे, आप बहुत से लोग हैं, जैसे यहाँ जितेंद्र सर करके, जितेंद्र सर हैं जोधपुर एम्स में पोस्टेड है, वो बताते हैं कि अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं ना, तो उनकी तरह बिहेव कीजिए, अगर आप क्लास में जाते हैं तो इस तरह से आप मतलब उनका ग्रूमिंग, आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का होना चाहिए कि आप नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं। जब तक आप अपने दिमाग में ये चीज़ नहीं उतारेंगे कि हाँ आप बन चुके हैं या फिर आप इस चीज़ के काबिल हैं, तब तक ये चीज़ें नहीं होने वाली, आपकी लाइफ में आएंगी नहीं, क्योंकि जब तक काबिलियत नहीं होगी ना, तब तक कैसे आएगी। आपको सबसे पहले कहते हैं आपको पात्र बनना पड़ेगा, अगर आप अपना पात्र पात्र नहीं बनेंगे तो चीज़ें कोई कैसे रखेगा। आप अपना अगर
जैसे लोटा है, लोटे को अगर आप उल्टा करोगे तो पानी कहाँ से आएगा अंदर, आपको सीधा करना पड़ेगा पानी भरने के लिए। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए पात्र बनना पड़ेगा। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो तो उस तरह का आप बिहेव कीजिए कि आप नर्सिंग ऑफिसर हैं, आप एम्स में काम करते हैं, उस तरह का बिहेव कीजिए ना कि जैसे मान लो आप एम्स के ऑफिसर बन जाते हैं, तब आपकी मेंटेलिटी क्या होगी, आप किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से एक्ट करेंगे। आप जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तब आप नर्सिंग ऑफिसर हैं, आप मान लीजिए कि आप हैं और उसी तरह से आप बिहेव कीजिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बस यही मेंटेलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और जब एग्जाम देने जाएं तो एग्जाम देते समय आप यही सोचें कि बस आप इस एग्जाम को टॉप कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको, आपने पढ़ा कुछ भी नहीं है, पूरे साल आपने मजे मारे हैं और जब एग्जाम आता है तो आप सुबह उठ के एग्जाम देने जा रहे हैं और कहीं नहीं टॉप, नहीं, ये भी चीज़ें फिर वो थोड़ा क्या वियर्ड हो जाता है, बकवास सा लगता है। लेकिन अगर आपको अच्छा नॉलेज, आपको आपको नॉलेज पहले गेन करना है, आपको अच्छा नॉलेज है, उसके बाद आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए कि नहीं, मैं ये कर लूंगा और बहुत बेहतर तरीके से करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से करूंगा, और यकीन मानिए वो फिर हो जाएगा आपसे। ये चीज थी कि मतलब एग्जाम से पहले आपका माइंडसेट कैसे रखना है, आपको मैंने ये बताया, ठीक है। फिर कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो कई बार मतलब बहुत से ऐसे मतलब मेरे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि मेरे एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं, या फिर मतलब बहुत ज्यादा मतलब चीजें जो है मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर करना क्या है, टाइम नहीं रहता मेरे पास में। तो उसके लिए मैंने मेरा मेरा मैंने अपना एक तरीका अपनाया। एक्चुअली मैं जब शुरुआत में दो एग्जाम दिया था, जैसे RRB दिया और ESIC का एग्जाम दिया था, उसमें मतलब मैंने मैक्सिमम लगभग 30-30 मार्क्स, जो 30-30 क्वेश्चन जो थे वो रॉन्ग अटेम्प्ट किया था, और उसकी वजह से मेरा नहीं हुआ, नहीं तो मेरा फर्स्ट एग्जाम में मेरा ESIC के अंदर मेरा हो जाता, लेकिन वो फिर नेगेटिव अटेम्प्ट की वजह से नहीं हुआ। तो इनसे बाहर आने के लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए मैंने एक बड़ी अच्छी सी तरकीब चाहिए, मैंने 3 राउंड लेता हूँ एग्जाम के अंदर, ठीक है। 3 राउंड के अंदर मेरा जो भी पेपर, जैसे मैंने जो भी सितंबर से जो भी पेपर दिए हैं, मैंने एम्स बठिंडा का दिया, एम्स मंगलगिरी दिया, एम्स दिल्ली दिया, BHU का दिया, और अभी जो जोधपुर का दिया, मैंने को टोटल 5 एग्जाम दिए उसके बाद में। तो मैंने क्या किया कि उन सबके अंदर मैंने 3 राउंड टेक्निक फॉलो की। 3 राउंड टेक्निक मतलब सबसे पहले आप उन सवालों को कीजिए, उन क्वेश्चन को अटेंड कीजिए जो बिल्कुल इजी है और आपको बिल्कुल आते हैं, टू द पॉइंट है, मतलब जैसे ही आप पूछेंगे आप उसका आंसर सही आएगा, आपको मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है उसमें कि नहीं ये होगा या ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको सवाल पूछा गया आपको उसका जवाब आता है। हर एक एग्जाम में 50-60% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टू द पॉइंट होते हैं और लगभग लगभग सभी को आते हैं। 50-60% क्वेश्चन लगभग लगभग सभी को आते हैं, और वो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए जो आपको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत इजी तरीके से आता है, ठीक है। ये आपका पहला राउंड कंप्लीट हो गया। पहले राउंड कंप्लीट होने के बाद आके अगर आपको बोला अच्छा नॉलेज है, अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है पहले एग्जाम देने से पहले, तो आप 50-55-60 के आसपास, 60% के आसपास क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जिसको आपको थोड़ा सा डाउट है, मतलब 90% आपको लगता है कि हाँ 90% ये सही है, लेकिन 10% आपको किसी और में भी लग रहा है कि हाँ यार ये भी सही हो सकता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन से आपको अटेंड करने हैं जिसमें आपको लगे बहुत बहुत मिनिमम, बहुत मामूली सा डाउट है, 50-50 नहीं है, 50-50 बहुत दूर की बात है, आपको थोड़ा सा 10% डाउट है कि यार ये सच है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन को अटेंड करना है। और उसके बाद में लास्ट आपको तीसरा राउंड लेना है जहां पर आपको 50-50 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और यकीन मानिए और मेरी बात पर मतलब गौर कीजिए कि 50-50 जब आप क्वेश्चन करें तो 10 या 12 से ज़्यादा कभी भी अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि 50-50 आपके नेगेटिव मार्किंग में 50-50 बहुत आपको नुकसान करवा देता है। मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि ऐसा कभी ना करें। 50-50 जब आपको लग रहा है 50-50 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत कम अटेंड किया करें। तीसरे राउंड में मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन तीसरे राउंड में अटेंड करें, और उसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप आराम करें, और नहीं बचता है तो अपना पेपर दें और अपने घर जाएं। उससे चौथा राउंड आपको कभी लेना ही नहीं है। मैं आपको सच में कहता हूँ, जितने मैंने एग्जाम जो चार पांच जो भी एग्जाम मैंने क्लियर करे हैं उनके अंदर सब में मैंने ये किया, और हर एक एग्जाम के अंदर, ये जो अभी भी जो जोधपुर एम्स का एग्जाम हुआ था उसको, उसके अंदर मेरे पास मुश्किल से 10-10 मिनट ही बचे थे एंड में, जब मैं अपना पेपर क्लियर कर लिया था। इसके बाद मेरे हर एग्जाम में कम से कम आधे से पौने घंटे
50 मिनट तक मेरे पास टाइम बचा है जहां पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, बस सो गया था, मेरा पेपर कंप्लीट करके मैं सो गया था। क्यों? मैंने 3 राउंड लिए और जितने भी मैं कर सकता था उतने मैंने किए, क्योंकि इसके बाद अगर आप आगे करने भी जाओगे तो आप रॉन्ग ही अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि ये नियम है। मतलब नियम क्या, मतलब सच बताओ तो ये ऐसा ही होता है कि आपको जो आते हैं शुरुआत में सारी चीजें आपको जो है चीजें हो जाती हैं, उसके बाद अगर आप दोबारा करना चाहते हो तो कई बार क्या होता है कि सही हुए क्वेश्चंस को भी अपन गलत कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो 3 राउंड टेक्निक थी ये मैंने आपको बताई थी कि एग्जाम किस तरह से आपको अटेंड करना है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी। अब देखिए 25 मिनट के आसपास टाइम हो गया, मैं आपको दोबारा से क्विक बता देता हूँ हमने किन किन चीज़ों के बारे में बात की है। तो और हाँ, आखिर में मैं अपने दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा और सारे शुभचिंतकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, मेरे को बधाई दी और मेरे अच्छे भविष्य की कामनाएं की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोबारा आप क्विक बताना चाहूँगा कि क्या क्या, देखो सबसे पहली बात है कि आपको हार्डवर्क तो करना है चीज़ों को। अगर आप देखो पढ़े, अगर आप पढ़ेंगे नहीं और आप चाहते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो हार्डवर्क तो आपको करना है। बुक्स आप जो चाहें जैसे चाहें, आपके किसी भी जो अच्छे मेंटर है, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता। मैंने जो एनक्लैक्स वगैरह जैसी बुक्स होती हैं जो बहुत महंगी आती है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम जब मैं एग्जाम तैयारी कर रहा था, तो मैंने अपने दोस्तों से मांग कर पढ़ी थी, ठीक है। तो आपके जो आप कोचिंग जाते हैं या फिर मैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे लगता है कि एनक्लैक्स अगर आप ले सकते हैं चाहे तो पी आर यादव ले सकते हैं और टारगेट आई है वो ले सकते हैं क्वेश्चन को। आप मतलब जिसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से मतलब चीज़ों को सीखेंगे। और उसके अलावा और मेरे पास एक अच्छा मतलब आइडिया है कि अगर आप मतलब ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो जो पिछले साल जो मतलब प्रीवियस ईयर्स के जो जितने भी क्वेश्चन पेपर थे आपको मतलब ये मस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको वो देखना ही देखना है। अगर आपको देखेंगे नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं होएगा कि मतलब आपको आप वो क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं। तो मैंने मतलब जब ये एग्ज़ाम दे रहा था मैंने जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स थे वो भी मैंने बहुत देखे थे ताकि मतलब एक अपन को आइडिया मिल जाए, रफ आइडिया मिल जाए कि हाँ कि जो एग्जाम विनर है वो क्या पूछना चाहेगा, ताकि आप मतलब बेकार के मटेरियल से बच जाएं, बेकार के मटेरियल को पढ़ने से बच जाएं। तो अपन ने इसके बारे में बात कर ली, फिर एग्जाम किस तरह से अटेंड करना है इसके बारे में बात कर ली। मेमोराइजेशन के बारे में आपको देखो फर्स्ट डे जब आप पहले दिन पढ़ेंगे उस टॉपिक को आपको 3 बार पढ़ना है, फिर दूसरे दिन 24 आवर्स के अंदर अंदर, 24 घंटे खत्म नहीं हो उसको पढ़े हुए को, उसके अंदर अंदर उसे दोबारा पढ़ना है, फिर 1 वीक उसे खत्म नहीं हो मतलब 1 वीक के अंदर उसे रिवाइज करना है, और फिर 1 वीक के अंदर उसे रिवाइज करना है। ये चार है, ये आपको चार जो इसके मेमोराइजेशन के आपको स्टेप है आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ जब भी टॉपिक पढ़ना आप उसे डेट डाल दीजिए, आप नहीं भूलेंगे। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो जी आज के टॉपिक को पढ़ा है तो उसे कल की डेट डाल दीजिए, फिर 1 वीक की डाल दीजिए, फिर 1 मंथ के बाद की डाल दीजिए। 1-2 दिन आगे पीछे होगा तो चलेगा, लेकिन अगर आपने इस तरह से पढ़ लिया ना तो मैं सच में कह रहा हूँ आपको दोबारा कभी आपको कभी परेशान नहीं होगी कि चीज़ें जो है आपको याद नहीं होती, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस की जो मैंने बात करी, कॉन्फिडेंस आपको बहुत रखना है, मतलब बहुत एक अल्ट्रा हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है एग्जाम देते समय, आपको तैयारी करते समय, और आपकी जो मेंटेलिटी है वो उसी तरह की होनी चाहिए। जब आप एग्ज़ाम दें तो आपका, जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको एग्ज़ाम के अंदर आपका माइंडसेट बहुत बेहतर होना चाहिए, आप ये मतलब सोच कर ही जाए कि हाँ बस मैं ये कर ही लूँगा। और इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और आशा है आप सब आपके लोगों के लिए जो मतलब तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर कोई और दूसरा कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर साबित होगा। और अगर किसी तरह का आपको कोई सजेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।